गडरिया सम्राट तुकोजी राव होलकर की पुरानी फोटो, पालनपुर के नवाब मोहम्मद तले खान। 1908 के दशक में नरुका राजपूतों की रियासत अलवर का रियासतकालीन दृश्य। 1870 के दशक में बरेली का एक राजपूत योद्धा। 1858 के दशक में लाल किला का दृश्य। 1904 में ऊंट व घोड़े से अलग इंसान भी ढोते थे सवारियां जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। उदयपुर के रॉयल महाराजा के महल की तस्वीर जो 1850 के दशक में ली गई है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की रानी अजब्दे बाई जी पंवार का पीहर, पंवार राजपूतों का प्रथम श्रेणी ठिकाना बिजोलिया भीलवाड़ा मेवाड़ था। डाट क्षेत्र जयपुर को लगातार 200 साल व 33 युद्धों में भाग लेकर त्यागमयी सेवा और कुर्बानी देने वाली नागा सेना का 120 वर्ष पुराना दृश्य है। नागा सेना ने वर्ष 1779 में बादशाह शाह आलम द्वितीय के सेनापति मुर्तजा खां भड़ेच को उसके हाथी सहित मार दिया था, जिसमें बादशाह के लगभग 50,000 सैनिक खाटू श्याम के मंदिर पर हमला करने आए थे। प्रमाणिक तथ्य को इस युद्ध में दादू संत मंगलदास महाराज जी सिर कटने के बाद भी झुंझार बन लड़ते रहे राजपूताने का इतिहास ऐसे वीरों के उल्लेख के बिना अधूरा है। शुक्र उल्लाह टीपू सुल्तान के सातवें और सबसे पसंदीदा बेटे थे। शुक्र उल्लाह से बड़े 6 भाई और थे, लेकिन टीपू सुल्तान को सबसे ज्यादा प्रिय यही थे। वह शुक्र उल्लाह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब उनके पिता की 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई, तब वह केवल 8 साल के थे। टीपू सुल्तान को खत्म करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना टीपू के परिवार को भी खत्म करने की थी। टीपू सुल्तान के उत्तराधिकारी और उनरे बाकी बेटों को वेल्लोर किले में ले जाया गया, जो कि कर्नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मजबूत किला था। शुक्र उल्लाह से अंग्रेज भयभीत हो गए थे। छोटे लड़के को नजरबंद कर दिया गया, कभी जनान खाने से बाहर कदम नहीं रखने दिया गया। जुलाई 1806 में शुक्र उल्लाह के बड़े भाइयों को वेल्लोर किले में सिपाही विद्रोह में फंसाया गया। इसके तुरंत बाद उनको जगह वेल्लोर से हटाकर बंगाल के रसाबगला में नजरबंद कर दिया गया। 25 सितंबर 1837 को लगभग 47 वर्ष की आयु में शुक्र उल्लाह की मृत्यु हो गई। यह पेंटिंग 1801 में थॉमस हिक्की द्वारा बनाई गई थी।